ये है मेरा सोप हैंडमेड। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं बिल्कुल नहा धो के आपके सामने हाजिर हूँ और मेरी घर के बाकी काम भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। सो लेट्स गो। मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करते हुए मेरे वीडियो देख रहे हैं। हाँ, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे, और उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलो पहले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, फिर आपको मैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। सो कपड़ों को मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अभी इसे बंद करते हैं और इसको चालू करते हैं। सो कपड़ों को दे दिया है मैंने वॉशिंग मशीन में, अब वो धुल रहे हैं और हम तब तक बाहर से कुछ सामान लेकर आते हैं। तो हम नीचे गए थे एक चीज़ लाने के लिए और अभी हम ऊपर जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये है वो चीज़ जो मैं नीचे लाने के लिए गई थी, एक तो है एलोवेरा और बाकी है नीम लीव्स, नीम के पत्ते। तो गाइस ये देखो, ये है सोप पेस्ट जो मैंने पहले ही मार्केट से खरीद के लाई थी, जो मेरे घर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो इससे हम आज बनाएंगे होममेड सोप। तो पहले इसको छोटे छोटे पीस में कट करना पड़ेगा, सॉरी। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब इसे मेल्ट करना है, और इसके लिए मैं डबल बॉयलर मेथड यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। बढ़िया, ये देखो मेल्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये पूरा मेल्ट हो जाए तब तक हम इस इंग्रेडिएंट्स को, यह है टर्मरिक, यह है एलोवेरा और ये इस नीम के पत्ते को हम मिक्सर में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा पेस्ट भी बन के रेडी हो चुका है और ये भी मेल्ट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स इट अप। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है और साथ ही साथ इसका स्मेल भी। वाह, तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी मेरी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल और ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन। सो सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा स्टर कर लूँगी। सो ये है वो मिक्सचर जिसको मैंने एक बोल में ले लिया है और अब इसे साइड पे ढक कर रख दूँगी। मैं आपको ये शाम को आकर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। आज लंच में बनेगा ओकरा। तो किस किस को ये खाना पसंद है? हाँ, भिंडी की सब्जी। तो गाइस मैं अभी घर आई हूँ और जैसे कि आपको मैंने बोला था कि शाम को मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने हैंडमेड सूप कैसे बनाया, तो आप अभी देख लो। नाउ इट्स टाइम टू रिवील एंड हियर इट इज़। देखो ये पूरा जम चुका है और मैं इसे अभी कर रही हूँ उल्टा और ये गिर भी नहीं रहा। सो अभी इसे निकालते हैं इस बाउल से। बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद ये इससे निकल गया। तो अब इसको ट्राई करते हैं। तो मैं पानी लाई हूँ और ये है मेरा सोप हैंडमेड। देखा कितना झाग निकला। तो अभी हो रहे हैं रात के 11 और मैंने डिनर कर लिया है और फ्रेश भी हो चुकी हूँ। अब मैं बैठ के पूरा एडिटिंग करूँगी। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आपको ब्लॉग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।